हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे, जिसे आप अच्छे से देखेंगे, तो आपको सिलाई से और सिलाई मशीन से जुड़ी जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है आपकी दूर हो जाएंगी। और जो जिन महिलाओं और जिन बहनों ने हमसे सुइयों के बारे में, इंच टेप के बारे में, मशीन के बारे में कई बार वो हमसे पूछते रहते, उसके लिए आज हमने प्रॉपर ये वीडियो तैयार किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है आज, कटिंग और स्टिचिंग के विषय में है, जिसमें मैं आज आपको सुई के उपयोग बताऊंगी। देखिए, कई लोग होते हैं जिन्हें क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। हमारे पास कई बार फोन आता है उन लोगों का कि मैडम, हमको समझ नहीं आता कि हमारे कपड़े में कई बार सल आने लग जाता है, कई बार खिंचाव आने लग जाता है, तो हमें कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए। देखिए, आजकल जो ट्रेंड में है वो दो तरह की मशीनें हैं। कई लोगों के पास छोटी मशीन होती है ब्लैक, और कई लोगों के पास बड़ी मशीन होती है अम्ब्रेला वाली। तो देखिए, जिन लोगों के पास छोटी मशीन है, पहले हम उनकी बात करते हैं। जिन लोगों के पास छोटी मशीन है, उन लोगों को चपटे मत्थे की जो सुई आती है वो सुई हमेशा उपयोग में लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार वो एक ही पत्ता ले लेते हैं गोल मत्थे का, या दुकानदार उन्हें गोल मत्थे का पत्ता पकड़ा देता है, तो उनको क्या होता है, उससे बहुत दिक्कत आती है, वो छोटी मशीन में कहीं ना कहीं काम नहीं करती है बराबर। तो देखिए, आप जब भी छोटी मशीन के लिए सुई खरीदने जाए, तब दुकानदार को आप स्पेशली ये बोलिए कि हमें चपटे मत्थे की सुई चाहिए, यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग होता है, जो हम सुई में ऊपर की तरफ लगाते हैं, उसको हम मत्था बोलते हैं। और उसका जो गोल वाला भाग होता है, एक गोल भाग होता है और एक चपटा भाग होता है। आप जब सुई को पकड़ के देखेंगे तो एक चपटा भाग होता है और एक थोड़ा सा उठा हुआ, उभरा हुआ, जिसे हम गोल भाग कहते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप छोटे मशीन के लिए सुई खरीदने जाएं, तो आपको चपटे मत्थे की सुई लेनी है। और आप देखिए, अगर ब्लाउजों की सिलाई करते हैं, स्पेशली अगर आप ब्लाउजों की सिलाई करते हैं, तो उसमें आपको 16 नंबर की सुई लगानी है। इसमें आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, आजकल जो ब्लाउज आते हैं उनमें अच्छा वर्क अच्छा खासा रहता है, जिसमें हम बहुत ही सावधानी से सुई मशीन चलाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार सुई उस वर्क पर आ जाती है, जिससे क्या होता है, नीचे वाला जो पॉइंट वाला भाग है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। फिर जब हम उसको पतले कपड़े पे सिलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक खिंचाव आता है, मतलब अपन जिसे क्या बोलते हैं, सुई कुटकना बोलते हैं, यानी कि मतलब उसकी जो सुई का जो पॉइंट है वो मतलब खराब हो चुका है। उसके लिए आप क्या करें, या तो आप, सबसे अच्छा तरीका होता है आप सुई की मशीन को बदल दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और आपको वर्क, आपको काम कंप्लीट करना है, तो आप उसको सुई को निकालकर थोड़ा सा इस तरीके से पत्थर पे अगर आप घिसेंगे हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का, पहले तो आप चेक कीजिए इस तरीके से कि कहाँ पे आपकी सुई कुटकी हुई है, वहां से आपको हल्का सा घिसना है। आप इस तरीके से अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आपकी जो मशीन की सुई है वो वापस से अच्छी हो जाएगी और उसमें चलने लगेगी। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप साटन के कपड़े के ब्लाउज बना रहे हैं और बार बार मशीन आपको परेशान कर रही है, तो उसमें आपको 14 नंबर की सुई को लगाना है। वो बहुत ही पतली सुई होती है, थोड़े साइज में छोटी होती है, पर लेकिन उससे जो साटन के कपड़े पर सिलाई आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, और तीसरी बात मैं आपको सुई के विषय में एक बताना चाहती हूँ। अगर आप ब्लाउज की जगह छोटी मशीन पे कुछ मोटा कपड़ा सिल रहे हैं, यानी कि जैसे आप समझिए कॉटन के कपड़े कई बार क्या होते, थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जिन पर सुई आसानी से नहीं चल पाती है और बराबर उसमें स्टिचिंग नहीं आती है, तो उसके लिए आपको चपटे मत्थे की 18 नंबर की सुई काम में लेनी है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप सिलाई करें, हमेशा तीन प्रकार की सुई आप अपने पास रखें, 14 नंबर की, 16 नंबर की और 18 नंबर की, ताकि जब काम करते करते आपको कोई दिक्कत आए तो आप झट से अपनी मशीन की सुई चेंज कर सकते हैं। ये तो हुई हमारी छोटी मशीन की बात। दूसरा आता है हमारा बड़ी मशीन, यानी कि अम्ब्रेला मशीन की बात, जो कि आजकल बहुत महिलाओं के पास है। जो आज स्टिचिंग करने के इच्छुक है, वो दुकान वाले भी उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप छोटी की जगह बड़ी मशीन लीजिए, इसमें वर्किंग भी ज्यादा होता है, काम भी ज्यादा होता है। उसके लिए हमें जो मशीन सुई लेनी होती है वो गोल मत्थे की सुई लेनी होती है। देखिए, इस प्रकार की गोल मत्थे की सुई लेनी होती है, जो पैंट वगैरह स्टिच करते हैं उसमें भी काम आती है, जो आप ब्लाउज वगैरह सिलते हैं उसमें भी काम आती है। आप दुकान वाले को
बोलिए कि हमको ब्लाउज सिलना है, तो वो उस हिसाब से आपको मशीन को सेट करके देते हैं। और देखिए ये जो हमारी गोल मत्ते की सुई है, देखिए इस प्रकार से इसका जो पूरा ऊपर वाला भाग है वो पूरा राउंड में, आप इस तरीके से जब सुई को देखेंगे तो आपकी सुई इस प्रकार से घूमेगी, जबकि दूसरी जो छोटी मशीन की है उसका एक भाग चपटा होता है। देखिए ब्लाउज अगर आप सिलते हैं तो जो अम्ब्रेला मशीन है उसके अंदर ज्यादातर जो सुई है हमारी वो 18 नंबर की चलती है। 18 नंबर की सुई से आप ब्लाउज भी आसानी से सिल सकते हो, सूट भी आसानी से सिल सकते हो और किसी भी प्रकार का कपड़ा आप उसमें चला सकते हो। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आप 16 नंबर की सुई को भी यूज में ले सकते हो। 16 नंबर की सुई भी बहुत पतली होती है, जो बारीक कपड़े सिफोन प्योर की जो हम ब्लाउज सिलते हैं उसमें हमारे यूज में आती है, ताकि उससे क्या हो बारीक सिलाई आपकी आए। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज का बड़ी मशीन में आपको जरूर ध्यान रखना है, नीचे का जो शटल वाला भाग होता है उसको बहुत सावधानी से आपको बॉबिन को लगाना होता है। उसकी बॉबिन जो है थोड़ी सी अलग तरीके से लगती है, उसको आपको लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपकी सुई ऊपर नीचे कर ले, उसको व्यवस्थित लगाए, ताकि आपकी सुई कुटकने का या खराब होने का डर ना रहे, शटल खराब होने का डर ना रहे, क्योंकि उसकी जो शटल रिपेयरिंग की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है और थोड़ी सी टफ होती है, उसे हम घर पर साफ नहीं कर सकते। इसीलिए आप समय समय पर उसमें तेल देते रहे और समय समय पर अपनी मशीन की सफाई करते रहे। देखिए जो लोग नई नई सिलाई सीखते हैं, नई नई मशीन चलाना सीखते हैं, उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि उनकी सुइयां बार बार टूटती हैं। देखिए आप उसके लिए परेशान मत होइए, मैंने जो आपको तरीका बताया शटल लगाने का तरीका, बॉबिन लगाने का तरीका, आप पहले तो व्यवस्थित लगाइए, उसके बाद आप पहले देखिए कि आपकी सुई बार बार किस जगह पे टूट रही है। या तो आपका कपड़ा मोटा हो जा रहा है तो आपकी सुई टूट रही है, या किसी वर्क वाले ब्लाउज में टूट रही है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है इस तरीके के वर्क हमारे ड्रेस में होते हैं, इस तरीके का वर्क आता है जिसमें मोती या सीप का वर्क होता है। तो देखिए जहां पे जब आप सिलाई कर रहे हो तो बहुत सावधानी से आपको सिलाई करनी है, और अगर ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में बहुत दूर दूर स्टोन लगा है या मोती लगा है, तो जो आपकी सिलाई वाला भाग है ना वहां पर आपको मोती या जो आपका वर्क है वो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार का सीप को आपको हटाना पड़ेगा, स्टोन आपको हटाना पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि जब भी आप सुई टूटने का कारण हो तो पहले कारण का पता कीजिए, उसके बाद आप उसके निवारण का पता। ये तो हुआ हमारा मशीन की सुइयों का बात, अब होती है हमारी हाथ की सुइयों का बात। हाथ की सुइयां क्या होती है कि हमको दिन भर में हम कितना भी मशीन पे वर्क करें लेकिन हमको दिन भर में एक बार तो ये हाथ की सुई हाथ में लेनी ही पड़ती है, क्योंकि ब्लाउज अगर सिलते हैं तो हुकाई के काम आती है, सूट अगर सिलते हैं तो तुरपाई के काम आती है, ये बहुत चीजों में काम आती है। कच्चा करने के भी कई लोग जो हमारे नए लोग बिगनर्स हैं वो मशीन से कच्चा नहीं कर पाते तो वो हाथ से कच्चा करते हैं। तो देखिए हाथ से कच्चा करने के लिए आप हमेशा मोटी सुई रखिए, ताकि क्या हो आप जल्दी जल्दी उसे कच्चा कर पाए, और तुरपाई के लिए आप हमेशा बिल्कुल बारी 0 नंबर की जो सुई आती है उसे यूज में लीजिए, ताकि आपकी जो तुरपाई है वो बहुत ही सुंदर आए। हुक लगाने के लिए और आई बनाने के लिए आप कम से कम 1 नंबर की सुई काम में ले, जिससे कि आपकी जो हुक आई है वो प्रॉपर और अच्छे तरीके से बन पाए। लास्ट हमारा इंची टेप का सही तरीका और विस्तृत उपयोग है। देखिए मैं आपको इंची टेप का सही तरीका जो होता है वो हमारे अभी जो कमेंट्स आए हैं उनमें भी लोगों को बहुत दिक्कत आई है, तो मैं आपको कमेंट के जरिए भी आपको बता रही हूँ और आपको जो प्रॉब्लम आप इन महिलाओं को आती है उन चीजों को भी डिस्कस कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमारा इंची टेप का तरीका देखिए क्या होता है, हमें जो ब्लाउज मापने होते हैं वो इंची टेप में नापने होते हैं, यानी कि इंच में नापने होते हैं। ये छोटे वाले भाग से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हम छोटे वाले भाग को ब्लाउज में या कुर्ते में काम में नहीं लेते, हम किस में काम में ले रहे हैं, इंची टेप को, इंच वाले भाग को काम में लेंगे। तो देखिए जो ये बड़े नापे हमारे वो इंच वाले नापे, इस चीज को आप बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। देखिए बहुत सारी जो महिलाएं उनको इंची टेप यूज करने में दिक्कत आती है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए अब ये पहले आप ये चीज देखिए, इंची टेप का ये 0 वाला भाग है, यहां से देखिए आप यहाँ पे एक लोहे का स्ट्रिप लगा होता है, जर्मन का स्ट्रिप लगा होता है, उसे मैंने हटा दिया है ताकि मैं आपको ये चीज क्लियर कर सकूं। जब भी आप 1 काउंट करें इंची टेप में 1 काउंट करें, तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक आपको 1 काउंट करना है, यहाँ से और आपको 0 से 1 काउंट करना है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 1 इंच हो जाएगा। ठीक है ये आपका हो जाएगा 1 इंच, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये मैंने ये जो पॉइंट बनाया है ये 1 इंच का बनाया है। अब देखिए अब कई महिलाएं क्या पूछ रही हैं हमसे कि आप 1 इंच 2 इंच तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 1.8 लेना है तो आप कैसे लेंगे। तो देखिए
वन और टू के बीच में, ये देखिए वन और टू के बीच में ये आया, ये वन हुआ, ये टू हुआ। अब वन और टू के बीच में टू एट 1.8 आएगा, तो आपको किस तरीके से मार्क करना है। वन और टू के बीच में आप पहले देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटी लाइन दिखेगी, उसके बाद एक थोड़ी सी उससे बड़ी दिखेगी, फिर एक छोटी दिखेगी, और एक आपको सबसे बड़ी लाइन बीच में दिखेगी। तो देखिए जो ये बड़ी लाइन है ना, ये आपकी 0.5 की लाइन होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, अगर आप कोई चीज काउंट कर रहे हो तो एक से आप डेढ़ आपको बोला गया, तो आप कहां से काउंट करोगे, एक और उसके बाद बड़ी लाइन, बीच की बड़ी लाइन, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। अब आपको 1.5 के बाद में 1.8 काउंट करना है, तो देखिए आप 1.5 के बाद में 6, 7, 8 उसके पास वाली लाइन को काउंट कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1.8 हो जाएगा। इजीली आप काउंट कर पाएंगे। आप देखेंगे तो 2 से 3 के बीच में आपको 10 पूरी लाइनें दिखेंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आप इस तरीके से पूरा काउंट कर सकते हैं, और 10 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 पर आपको क्या मिल जाएगी, पूरी आपकी जो सीरीज है वो मिल जाएगी। देखिए ये जो 0.5 है उसे हम क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। अब देखिए जो 1 के बाद में एक सबसे छोटी लाइन है उसे हम काउंट नहीं कर रहे, उसके बाद की जो बड़ी लाइन है 1 और 0.5, यानी कि 1 से 1.5 के बीच में जो आपको बड़ी लाइन दिख रही है, वो किसकी लाइन होती है, आपकी सवा की लाइन होगी। जैसे मैंने बोला 1/4 इंच, तो 1/4 इंच आपको कहाँ पे लगाना है, 1 और 1 के बाद छोटी लाइन छोड़ के जो बड़ी लाइन है उस पर आपको निशान लगाना है, वो आपका किसका हो जाएगा, 1/4 का हो जाएगा। उसके बाद आपने सबसे बड़ी लाइन पे लगाया बीच की, तो वो आपका आधा हो जाएगा। उसके बाद आपने जो छोटी बड़ी लाइन पे लगाया वो आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं 1/2, वो 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद 2 का नाप आ जाएगा। एग्जैक्ट क्लियर इसमें सारी लाइनें हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक सबसे छोटी लाइन है, एक उससे बड़ी लाइन है, फिर छोटी लाइन है, फिर सबसे बड़ी लाइन है, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए कि जो आपकी छोटी 5 के बाद जो आपकी छोटी बड़ी लाइन है वो आपकी 1/4 की है, सबसे बड़ी लाइन आपकी 1/2 की है, उसके बाद छोटी बड़ी लाइन आपकी 1/2 की है, और उसके बाद आपका 6 आ जाएगा। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए 0.8 और 0.9 के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए। अगर आपका 0.8 या 0.9 आता है तो आप उसे कंप्लीट करके 2 पर भी ले सकते हैं, या आप 1 पॉइंट कम या ज्यादा करेंगे तो उससे कोई फर्क इसमें सिलाई में नहीं पड़ता है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली 0.1 भर ही लेना है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मानिए आपका 0.6 आता है कहीं पर, तो आप उसे 0.5 भी कर सकते हैं क्या, या तो 0.1 इंच आप 0.1 इंच आप कम कर दो या ज्यादा कर दो, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लाउज हो या सूट हो, उसमें आप इस तरीके से भी मेजर इसे कर सकते हैं। देखिए जो आज मैंने आपको सुई मशीन और इंची टेप के जो उपयोग बताए हैं, जो टिप्स आपको दिए हैं, मुझे आशा है कि आप उन्हें अपनी सिलाई में फॉलो जरूर करेंगे। जो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है मशीन में, सिलाई में, तो वो आपकी काफी हद तक दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती।